कर्नल मनप्रीत सिंह का जो पैतृक गांव है वो पंजाब के मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में भंडोजिया गांव है, वहां पर पैतृक उनका घर है, यहीं पर उनका गांव है, यहीं वो पले बड़े हैं। उनका पार्थिव शरीर भी यहां पर लाया जाएगा। पंचकुला में उनकी ससुराल है जहां पर उनकी पत्नी रहती है, क्योंकि वो पंचकुला के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर परिवार के तमाम लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अंदर उनकी माता हैं जो बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन रात तक उनको नहीं बताया गया था कि उनके बेटे की शहादत हो गई। मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया, मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया। उम्र भी ओरी 40 साल थी, 40 साल उम्र थी हले ओरी, बच्चे भी छोटे हैं, बच्चे हूँ कितों पापा पापा कह गए कितों। उनकी वाइफ है जो वो टीचर हैं इधर हरियाणा गवर्नमेंट में, दो बच्चे हैं उनके, एक 7 साल का है, दूसरा बेटी है कोई तकरीबन 2 साल दी। जैसे ही शहादत की खबर मिली है, मैं पानीपत सेक्टर 7 में देखिए इस खबर पर मौजूद हूँ और सामने ये तस्वीरें देखिए, ये मेजर आशीष के पिता हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों के रिश्तेदारों के लगातार आने का सिलसिला बदस्तूर जारी। आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं आई हैं, घर के भीतर से भी रोने की आवाज़ आ रही है, चूँकि 3 साल की बच्ची, एक 3 साल की बेटी है मेजर आशीष की, उसे अब तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है। जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं लगातार उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मेरे क्लोज थे वो, मेरे हमारे से बातें करते थे, बेटा था हमारा, खुद मेरे को पापा बोलता था वो। आसान नहीं है, आप हौसला रखिए क्योंकि आप परिवार के मुखिया हैं, गार्जियन हैं। पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, आतंकवादियों के सभी ठिकानों को ठिकाने लगाया जाए। Yes!